गुड मॉर्निंग यूके जी, आज हमारे इंग्लिश की क्लास है और आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ही एंड हिज, आई एंड माई। लास्ट क्लास में हमने किया था, आई होप कि आपको याद होगा। तो आज हमारा नेक्स्ट है ही एंड हिज। अब देखिए ही किसके लिए यूज़ करते हैं, जहाँ भी हम पुलिंग की बात करते हैं। पुलिंग क्या होता है, जैसे आदमी है, लड़का है, तो ये हमारा किस में आता है, पुलिंग में आता है। तो जहाँ भी हम पुलिंग की बात कर रहे हैं वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे। ही का यूज़ हमेशा पुलिंग के लिए होता है। जेंडर में हमने बता रही हूँ ना, जेंडर के हिसाब से ही का यूज़ किसके लिए होता है, पुलिंग के लिए होता है। और ही के साथ हम जो वो यूज़ करते हैं, जैसे उसका, उसकी बोलते हैं हम, तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं हम, हिज का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, हिज का यूज़ करते हैं। अब चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले, हमारा लेसन हम रीड कर रहे हैं, रीड एंड अंडरस्टैंड। अब देखिए ये क्या है, अमन है, ही इज़ अमन। ये कौन है, अमन है। तो अमन के लिए क्या लगाएंगे हम, ही लगाएंगे, क्योंकि ये बॉय है। पुलिंग में आ गया ना, जेंडर के हिसाब से क्या आ गया, मैस्कुलिन जेंडर है, पुलिंग है, तो ही आ गया, ही इज़ अमन। अब देखिए ये खा रहा है, तो क्या, ही इज़ ईटिंग, खा रहा है ना, और हिज ब्रेकफास्ट, उसका ब्रेकफास्ट खा रहा है, यानी अपना ब्रेकफास्ट खा रहा है, तो ही इज़ ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट, अमन उसका ब्रेकफास्ट खा रहा है। ठीक है, बॉय या मैन के लिए क्या लगाया हमने, ही लगाया, ध्यान रखिएगा बच्चों। अबे फिल इन द ब्लैंक्स विद ही एंड हिज। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं, इसकी हेल्प से हम इसको फिल करेंगे। ही एंड हिज सिस्टर, यहाँ पे क्या आएगा, ही एंड हिज सिस्टर गो टू स्कूल। वह और उसकी बहन कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। ठीक है, ही डज ऑल हिज वर्क, वह उसका सारा काम करता है। ये खेल रहा है ना अपनी बहन के साथ, ही प्लेज विद हिज सिस्टर, उसकी बहन के साथ खेल रहा है ना, ही प्लेज विद हिज सिस्टर। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट पिक्चर हमें, ही शेयर्स हिज थिंग्स, यानी वो शेयर कर रहा है उसकी चीज़ें विद हिज फ्रेंड्स, वो अपनी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा है ना, ही शेयर्स हिज थिंग्स विद हिज फ्रेंड्स। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की है, बस वो यही है कि आपने ही के साथ हमेशा किसका यूज़ करेंगे, हिज का यूज़ करेंगे। ही के साथ हिज का यूज़ होता है, और ही जो यूज़ होता है वो हमारा किसके लिए यूज़ होता है, ही हमारा होता है मैस्कुलिन जेंडर, यानी जहाँ पुलिंग की बात करते हैं हम, बॉय और मैन की। बस इस चैप्टर में यही ध्यान देने वाली चीज़ है। यूज़ ऑफ शी एंड हर, किसका यूज़ करने वाले, शी और हर का। जैसे कि अभी हमने किसका यूज़ किया था, हमने ही का यूज़ किया था, और ही के साथ हमने क्या यूज़ किया था, ही हिज। तो इसी तरीके से हम शी का यूज़ करेंगे, शी के साथ क्या यूज़ होता है, हर यूज़ होता है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताने हूँ, यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है वो ये कि शी का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि शी का यूज़ हम लोग करते हैं जहाँ हमारा स्त्रीलिंग का हम प्रयोग कर रहे हैं। स्त्रीलिंग क्या होता है, जब किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, किसी औरत के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है, जहाँ पे हम इनके बारे में बात करें वहाँ पे हम शी का यूज़ करेंगे, और शी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हर का यूज़ करते हैं। अब चलिए इसको रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी इसको पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर्स के हिसाब से इन्होंने समझा रखा है, पिक्चर्स देख के हमें समझने में काफ़ी मदद मिलती है। तो शी इज़ रानी, अभी लड़की है ना, तो क्या आएगा, शी। मैंने बताया ना लड़की औरतों के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, शी। शी इज़ रानी, शी इज़ अमन्स सिस्टर, ये किसकी सिस्टर है, अमन की सिस्टर है। शी प्लेज विद हर डॉग, और ये किसके साथ खेल रही है, उसके डॉग के साथ खेल रही है। मैंने बताया था शी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हर का यूज़ करेंगे, शी प्लेज विद हर डॉग। बस इसमें समझने वाली एक चीज़ है, शी के साथ हर का यूज़ होगा, और शी हमेशा स्त्रीलिंग के साथ यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद शी एंड हर, अब यहाँ पे क्या फिल करने वाले हैं हम लोग, शी और हर फिल करने वाले हैं। यहाँ कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, पिक्चर्स के थ्रू हम लोग इसको फिल करने वाले हैं। शी हेल्प्स हर मदर एट होम, यानी वो उसकी मम्मी की मदद करती है, कहाँ पर, घर पर। शी हेल्प्स हर मदर एट होम,
अब ये नेक्स्ट पिक्चर हमें किसकी दे रखी है? शी लाइक्स टू वाटर हर प्लांट्स, वो पौधों को पानी देना पसंद करती है उसके पौधों को, ठीक है। शी प्लेज विथ हर फ्रेंड, शी के साथ हमेशा किसका यूज़ हो रहा है? हर का। शी प्लेज विथ हर फ्रेंड्स, शी ब्रशेस, अपने टीथ को ब्रश कर रही है ना, शी ब्रशेस हर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले। तो ये क्या था हमारा, शी एंड हर था। क्लास ये जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने कराए, इसे आप नीट एंड क्लीन इंग्लिश की कॉपी में करेंगे, पीडीएफ बना के हमें सेंड करेंगे, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी अटेंडेंस लगती है। बाय बेटा, हैव फन।